हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जफ़र और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारे पास जो 3 वोल्ट की एलईडी लाइट होती है दोस्तों, उसे 220 वोल्ट से जलाने के लिए कितने नंबर की रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने 3 वोल्ट की जो एलईडी लाइट है उसे ले लिया है। दोस्तों, इसमें जो है हम जो रेजिस्टेंस यूज़ करने वाले हैं उसकी नंबर है दोस्तों 220 के ओम। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं मैंने 220 के ओम की जो रेजिस्टेंस जो ले लिया है। दोस्तों, हमारे पास जो एलईडी लाइट है उसकी जो दो लेग्स हैं देख सकते हैं दोस्तों, एक छोटी और एक बड़ी। तो दोस्तों, इसमें जो बड़ी वाली वो प्लस है और छोटी वाली माइनस है। तो दोस्तों, हम जो है अपने रेजिस्टेंस को जो है प्लस वाली में सोल्डरिंग कर देंगे। फिलहाल जो है दोस्तों, मैं यहाँ पर मोड़ कर जो इसमें अटैच कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 220 वोल्ट से जलने वाली एक नाइट लैम्प को ले लिया है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने। और दोस्तों, हमारे पास 220 वोल्ट की सप्लाई है। दोस्तों, इसे जो आपस में बिल्कुल भी कनेक्ट ना करें वरना शॉर्ट सर्किट हो सकती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही 220 वोल्ट दिया, ये बहुत अच्छी तरीके से जल रही है। तो चलिए दोस्तों, जो इसे जो है साइड में कर लेते हैं, वो हमारे पास जो एलईडी लाइट है उसे जो है 220 वोल्ट से जला कर देखते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जल रही है, ये जो लाइट है जो उसे जो ऊपर कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरीके से कैमरे में समझ आए। आप जो है दोस्तों देख सकते हैं, आप यहाँ पर 220 सप्लाई में यहाँ पर दे रहा हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं 220 सप्लाई से 3 वोल्ट की एलईडी जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है जल रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।